नमस्कार डॉक्टर, मैं रानी शर्मा हाजिर हूँ आप सबके सामने सीटेट की सीरीज का थर्ड वीडियो लेके। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक नगर, ये कैसे बसे थे और कहाँ कहाँ मिले हैं हमें। तो ये नगर हमें मिले हैं हड़प्पा की कहानी, सबसे पहले देख लेते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरातत्व मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर भी हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्वों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अंधेरे में इन नगरों का, और इसमें क्या था, इसमें आपको मिलेगी कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिली है जहाँ समग्र यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े डाकघर मिले हैं। तो पहले लोग यज्ञ भी करते थे और ये इसे सिद्धता, ये महान स्नानागार है जो हम इसी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन पेपर इंग्लिश में था तो मैंने सोचा एक बार हिंदी में भी दिखा देते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाए। और यहाँ इसके बाद ये है नगरी जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुल, पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। तो इन नगरों में लिपि भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाए हैं। अब इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्रीपुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, जो लंबी यात्राएं भी करते थे। और ये मिला है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआ है, पाई नीचे हड़प्पा की मोहर है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। ये जो दाने हैं वो पतली मिट्टी के खिलौने हैं और ये पत्थर की बनी बाट है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले। और ये कुछ गहने हैं, ये जो मूर्ति मिली है जिसमें 7000 साल पहले मेरठ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फैन से बनी तकलियां सूत कताई की संकेत देती हैं, मतलब उन्होंने कपड़े बनाना भी सीख लिया था सूत काट कर ये फैन से जैसे खिलौने बने हैं। और ये कच्चे माल की खोज वो कैसे करते थे, कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं तो रूप से मिलती है। अपने किसान या पशुपालक उत्पादन उनका उत्पादन करते हैं जैसे लकड़ियाँ, धातुओं के अयस्क और इससे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात समर्थ आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाने वाला तिल का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बबुल पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता। तो यहाँ आपको ये आ सकते हैं कि कैसे इसको सम्मिलित कीजिए। और ये 5000 साल पहले मिस्र के शासनकाल वाले राजा ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और चीज रेवर लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजा के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी कई अनेक चीजें दफनाई जाती थी, इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था।
दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, क्योंकि उन सब में उनके साथ दफना दिया जाता था। ये देखिए ये था ना सोना तांबा। अब आप बताइए, कमेंट करके मैं बताइए आपने को इसमें पढ़ा कि तांबा कहाँ से मिलता था, सोना कहाँ से मिलता था, टिन कहाँ से मिलता था, और ये जो बहुमूल्य पदार्थ है वो कहाँ से मिलता था। आप सभी में कमेंट करके बताएंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ाना बताया था हमने, आप नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा तो आप भी देखिए, देख के इसमें कमेंट कीजिए और बताइए। फिर है किताबें आ जाती हैं। किताबों में सबसे पहले आपको पता है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक वेद है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। क्वेश्चन आ जाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो उसका आंसर ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद गायत्री मंत्र से लिया गया है और ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये मतलब ही पूछ लेते हैं कि सूक्त का मतलब क्या होता है, या अभी आगे आएगा तो बताएंगे उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, और अच्छी तरह से बोला गया। और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, ये भी प्रश्न आता है अग्नि किसके देवता है। इंद्र युद्ध की देवता है और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो मतलब आजकल जो स्कूलों में पढ़ी जाती है वो नहीं, ये संस्कृत प्राक संस्कृत थी, लेकिन थी संस्कृति। जब पूछते हैं ना प्रश्न कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, तो हमें संस्कृत पर ही टिक करना है। अगर साथ में प्राक लिखा हुआ आ गया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राक नहीं लिखा है तब भी आप बिना झिझक संस्कृत पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, ये पढ़ लेना आपको कुछ लगे तो। इसमें कुछ है तो नहीं, ये तो सब ऐसे समझने के लिए है। अच्छा, तो ये अध्ययन कैसे करती है, ये विश्वामित्र और नदियां प्रार्थनाएं कैसे की जाती थी, कैसे करते थे, ये आप पढ़ना चाहे पढ़ लें, टाइम तो पढ़ सकते हैं। और वेदों में क्या था, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्र और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, लड़ाई मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ से चार गाय हैं। प्रश्न तो ये बनता है कि इसमें क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्रार्थना है किस किस के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, प्राप्ति के लिए, जैसे और क्या है, लोगों को वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, तो ये वेद सामवेद के बारे में आप जानते हो। सामवेद में संगीत, सारे सामवेद में संगीत है। वो संगीत फादर ऑफ संगीत, इस चीज का पिता, जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद संगीत का जनक है। और अथर्ववेद में प्रार्थना है। चारों वेदों में की अपनी अपनी विशेषता है। लोहे का प्रयोग नहीं होता था, वहां के लोग लोहे का प्रयोग करना नहीं जान पाए थे। वहां तांबे का प्रयोग होता था, सोने चांदी का प्रयोग होता था। और ये है इमाम नाम। और कंकालों का अध्ययन किया गया था, इससे पता चलता है कि कौन स्त्री थी, कौन पुरुष थे। और इसमें ऋषि थे चरक, जिन्होंने किताब लिखी थी चरक संहिता।
और उनके अनुसार मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जबकि आजकल लोग 206, आज की विज्ञान के अनुसार 206 होती हैं। तो उन्होंने शायद ही इसकी गिनती दांत और जोड़ों के काट लो की जोड़ तो ये शायद संख्या बताई होगी। और काम धंधे कैसे थे लोगों के? वेदों की रचना का प्रारंभ आप ये चीज याद कर लेना, 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। और यहाँ इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, सॉरी 1600, हाँ 3600, 2000 साल पहले। ये चरक संहिता जो लिखी गई थी, चरक का काल जिसे कहा जाता है, वो 2000 साल पहले का। अब इसमें फिर से सम्मिलित करना। अभी आपने ऊपर पढ़ा सूक्त क्या होती है, जिसमें मैंने बताया था सूक्त जो अच्छी तरह से बोला गया, रथ युद्ध में प्रयोग किए जाते थे, यज्ञ अनुष्ठान, दास गुलाम, महापाषाण, सजाए गए पत्थर। तो आप ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर खत्म। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो में अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसको। अभी अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना।